दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एक नॉर्मल से कीवर्ड को हाई वॉल्यूम कीवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे अगर आपके पहले 10 व्यूज आते थे तो हाई वॉल्यूम कीवर्ड यूज़ करने के बाद अब आप लोगों के 1000 व्यूज तो अप्रॉक्स आ ही जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आप लोगों को हाई वॉल्यूम कीवर्ड ढूंढना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिससे आप लोगों के व्यूज़ ज़्यादा आएँ। तो हाई वॉल्यूम कीवर्ड ढूंढने के लिए आप लोग ट्यूबबडी या विडाइको का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल दोनों एक्सटेंशन है अपने पीसी में। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो ये सारे प्रोसेस आप लोग अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाके सिंपली आपको ट्यूबबडी या विडाइको का जो एक्सटेंशन है उसे डाउनलोड करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्यूबबडी का यूज़ करके बताने वाला हूँ, तो आप लोग ट्यूबबडी जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। या अगर आप लोगों को पीसी में ट्यूबबडी एक्सटेंशन डाउनलोड करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, आप लोग उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया है। मैं डायरेक्टली जो है ट्यूबबडी एक्सटेंशन को ओपन करता हूँ और आ जाता हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर में। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आने के बाद एज यूजुअल जैसे सब लोगों के दिमाग में अपने वीडियो का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। और बहुत सारे लोग तो वीडियो बनाने के बाद ही कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे माइंड में भी एक वीडियो का टॉपिक है जो है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसे सर्च किया तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद ट्यूबबडी जो है मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट दे रहा है, जहाँ पर इसने जो है ओवरऑल स्कोर इसका 31 out of 100 बताया है, यानी कि 100 में से सिर्फ 31 लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर। उसके बाद इसका स्कोर एनालिसिस अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर इसका जो सर्च वैल्यू है वो गुड है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सर्च वैल्यू में आपको जो है 5 डिफरेंट कलर मिलते हैं। तो सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा ग्रीन की तरफ होगा यानी कि गुड एक्सेलेंट होगा, उतना ज़्यादा आप लोगों को उस कीवर्ड पे वीडियोस बनाने हैं क्योंकि इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब जैसे सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है कंपटीशन, तो कंपटीशन जितना ज़्यादा रेड की तरफ होगा उतना आप लोगों को कीवर्ड को इग्नोर करना है क्योंकि ऐसे कीवर्ड में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे हमारा कीवर्ड है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है यानी कि लोग सर्च तो कर रहे हैं बट इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिनके पहले से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है उन्होंने अपनी पोजिशन बना ली है यूट्यूब सर्च पर इस टॉपिक पर वीडियो बना के। इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर वेरी गुड बता रहा है और इसके नंबर ऑफ सर्च जो है ट्यूबबडी 17.3 मिलियन बता रहा है, यानी कि आप लोग खुद देख सकते हो इस पर कितना ज़्यादा व्यूज हमें मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन दिख रहा है हैश ऑफ वीडियोज इन सर्च रिजल्ट, इसका यहाँ पर जो है सामने आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर ये लिखा है द टोटल नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट रिटर्न फ्रॉम यूट्यूब फॉर दिस कीवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे यूट्यूब सर्च से कितने व्यूज टोटल आए हैं। और अगर बात करें मंथली सर्चेस की तो इस कीवर्ड पे आप लोग मंथली सर्चेस भी देख सकते हो 25.1K यानी कि 25,000 मंथली सर्च होते हैं इस कीवर्ड पे। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जितना ज़्यादा कंपटीशन रेड की तरफ होगा उतना ज़्यादा हमें जो है कीवर्ड को इग्नोर करना है। तो ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी वीडियो जो है इस कीवर्ड पे बिल्कुल रैंक नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें ढूंढना होगा एक हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सर्च वॉल्यूम होता है वो आता है कीवर्ड की ही वजह से। तो बस आप लोगों को कीवर्ड को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे मैंने पहले सर्च किया था YouTube चैनल कैसे बनाए, अब मैं इसको जो है इसकी सर्च और कंपटीशन को कम करके बताता हूँ। सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगी और कंपटीशन कम हो जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ YouTube चैनल कैसे बनाए मोबाइल से 2022। तो अभी हम लोगों ने जो न्यू कीवर्ड को सर्च किया है इसमें हम लोगों ने सिर्फ 3 कीवर्ड और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो कि है मोबाइल से 2022। अब इसका आप लोग रिजल्ट देखो, यहाँ पर जो है 100 में से 86 लोग ऐसे हैं जो कि इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। यहाँ पर इसका ओवरऑल स्कोर ये बता रहा है। सर्च वॉल्यूम देखो गुड है और जैसे मैंने आपको बताया था कंपटीशन जितना ज़्यादा ग्रीन की तरफ होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है कोशिश करना है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही कम है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ भी आप लोग देख सकते हो एक्सेलेंट शो हो रहा है। तो अब ये कीवर्ड हमारे लिए परफेक्ट है बट अभी भी मैं इस कीवर्ड को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इस कीवर्ड पे भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी होगी जिनकी पोजीशन यूट्यूब सर्च में फिक्स हो चुकी होगी क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा वॉच टाइम होगा। और अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे उस पर वॉच टाइम गेन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जिस वजह से मेरी वीडियो सर्च में नहीं आ पाएगी इस कीवर्ड पे भी। तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे हम लोगों ने एक नॉर्मल से कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम थी उसे बढ़ाया है और उनका जो कंपटीशन है उसे कम किया है। पहले हमारा जो कीवर्ड था वो था यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, उसके बाद हमने इसे मॉडिफाई करके किया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए मोबाइल से 2022। और इसे भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है और सर्च वॉल्यूम भी गुड ही बता रहा है। तो अब इस कीवर्ड में हम लोग और मॉडिफाई करेंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल कैसे बनाए इसमें मैं आगे ऐड करता हूँ हिंदी 2022 और इस कीवर्ड के स्टार्टिंग में मैं ऐड कर देता हूँ मोबाइल से,
यानी कि अब हमारा पूरा कीवर्ड हो जाएगा मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए हिंदी 2022। अब इस न्यू मॉडिफाइड कीवर्ड को हम लोग जो है ट्यूबबडी में एक्सप्लोर करके देखते हैं इस पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जब हम लोगों ने न्यू कीवर्ड को ऐड किया जो कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए हिंदी 2022, इसके बाद आप लोग इसका स्कोर देख सकते हो। 100 में से 100 लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम एक्सेलेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस पे बहुत ज़्यादा सर्चेस होते हैं। कॉम्पिटिशन गुड है, यहाँ पर इसके ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ जो है वो भी एक्सेलेंट शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो एक्सेलेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पास चॉइस होती है वीडियो देखने की। ऐसे में अगर आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वॉच टाइम अपने वीडियो पे गेन कर लेते हो तो 100% इस कीवर्ड पे आप लोगों की वीडियो रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको अपने वीडियो के टॉपिक के लिए कीवर्ड रिसर्च करके बताया। ऐसे ही आप लोगों के माइंड में जो भी टॉपिक है जिस पर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो, आप लोग इस तरीके का यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो के टॉपिक के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से प्रेस कर लेना।